दिवाली तो बीत गई, लेकिन ये सब जो देखिए कबाड़ मचा है ना, तो इनको भी तो सही करना है भाई। तो यहाँ फ्रेंड्स ठीक हो चुका, आप चलिए ऊपर चलती हूँ, क्योंकि ऊपर भी सब कुछ पड़ा हुआ है और ये माइक्रोवेव भी साफ करूंगी। ये पोर्शन इतना खुला है ना तो बहुत गंदगी हो जाती है, तो इनको साफ करके पहले रख देती हूँ। और इनका क्या करूंगी आगे आप सबको पता चल जाएगा, तो सबसे पहले इनकी सफाई करती हूँ, उसके बाद जो यहाँ कपड़े पड़े हैं कपड़ों को साफ करूंगी, क्योंकि छोटी दिवाली से कपड़े भी नहीं साफ हुए, तो आज कपड़ों को साफ करूंगी जितना आज हो पाएगा फ्रेंड्स आज करूंगी, क्योंकि कबर भी ठीक करना, फिर ऊपर बचेगा पोर्शन ज्यादा है तो फिर बाद में करूंगी, एक साथ नहीं करूंगी, नहीं मैं भी थक जाऊंगी। तो चलिए इनका पहले कर लेती हूँ। लाइट भी उतर रहेगा, इसी सब उतारे जा रहे प्रभु ऊपर, चुका नीचे। तो गाइस देखिए सारे कवर्ड का हाल है बुरा, वाह यहाँ तो पूरा मेला लगा है, सब सही कर दूं पहले। तो गाइज मेरा कबर्ड तो ऐसे भी मतलब बिखर ही जाता है हमेशा, आप सब ने देखा होगा, और त्योहार बीता है तब तो भाई बिगड़ना ही है, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात है ये कि मैं भूल जाती हूँ क्या चीज कहाँ रखी, उस वजह से मेरा ज्यादा बिगड़ जाता है, और पहले से डिसाइड नहीं करती हूँ क्या पहनना है, तो यही सब रीजन है। अब मैं सोची पहले डिसाइड करूँ। फाइनली गाइज एक यहाँ एक पोर्शन ये मेरा सही हो गया। नेक्स्ट डे यहाँ फ्रेंड्स देखिए मैंने भिंडी की भुजिया बना रही के पत्ते का, ये है दलिया, दलिया किस किस को पसंद है, और ये मिर्च वाली, आटा भी लग चुका, लेकिन मैं खाने वाली हूँ बस दो ब्रेड, ये देखिए दो ब्रेड बचा है, तो इस दो ब्रेड को सेक के और इसके साथ क्या बताओ क्या, अरे तुम लोग ही क्या है गजब गजब, ये देखिए तुम सेक दो, अरे वाह भाई, तो चलो मेरा बच्चा देगा, ज्यादा सर बहुत तेज दर्द हो रहा फ्रेंड्स इस वजह से, तो इसको खा के दवा खा लेती हूँ, उसके बाद आप सभी। दिवाली तो खत्म हो गई, लेकिन मेरे घर का अभी देखिए अब ये चली रहा है सिलसिला, दूध का पैसा तो यही है। तो गाइस देखिए ये कर्टेन जब लगा था तो उस समय मेरे घर का वाल कुछ इससे मैच कर रहा था, उस हिसाब का लगा था, लेकिन अब बिल्कुल अलग लगता है, तो इसको कैसे चेंज करूं, अगर आप सभी के पास कोई आइडिया है तो मुझे जरूर बताइएगा। तो सोच रही हूँ थोड़ा बहुत चेंज करूं, अब समय आ गया है, वैसे तो एक रखा वो अलग लग जाएगा ना प्रभु जो फूल वाला है, तो अभी देखती हूँ। और फ्रेंड्स काम बहुत ज्यादा है, कुछ आप सबने पिछले मतलब आगे देखा होगा कि कल मैंने क्या किया, क्योंकि आज तो मैं ब्लॉग डाल नहीं रही हूँ, ये ब्लॉग कल जाएगा, तो मतलब कल का मतलब जब आपको मिलेगा ये तो वो कल हो चुका होगा। और थोड़ा बहुत अभी ऊपर का काम है कि दिवाली के बाद बहुत काम हो जाता है ना, जो घर में रहता मचा होता उसको भी तो बटोरना पड़ता है, और चलती हूँ ऊपर का भी अभी आज सफाई कर दूंगी, दिया वगैरह यहाँ वहाँ जो फैला सब बटोरना। गाइस रख दिया दूध बॉयल होने के लिए और रोटी भी बना ली हमने, और अब चलती हूँ मैं, देखिए मैंने बेल्ट भी लगा लिया है, तो अब चल रही हूँ मैं ऊपर की तरफ। तो ये ले लेती हूँ अपनी मिडिल क्लास वाली बाल्टी, किस किस के पास है मिडिल क्लास वाली बाल्टी कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। तो चलिए मैं चलती हूँ ऊपर आ गई, ये देखिए ये देखिए ऊपर कपड़े तो उतने धुल गए थे, ये सब देखिए हाल, तो इन सब की करनी है सफाई, उठा लेती हूँ मैं झाड़ू। और ये देखिए इनका यहाँ से ज्यादा नहीं हो रहा है इस, अब स्टैंड को जिस दिन ये उड़ेंगे देखिए कितनी गंदगी इन लोगों ने मचा रखी है, पूरा स्टैंड इसलिए बांध दिया प्रभु जान के बाई ने, यहाँ की सफाई बहुत जरूरी है। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए आज मैं ऊपर आके ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, और काफी कुछ कर लिया, काफी कुछ करने वाली हूँ, तो ऐसा नहीं है कि दिवाली खत्म होते काम खत्म हो जाता भैया, त्योहार के बाद फिर काम शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत काम ऐसे होते जो पेंडिंग हो जाते, तो चलिए इन्हीं कामों को मैं खत्म करती हूँ। यहाँ फ्रेंड्स बहुत काई जैसा लग रहा है, यहाँ मैं डालने वाली हूँ ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि यहाँ लग रहा पानी रुक रहा है तो गंदगी बहुत हो गई है, और अनीता से ही बोलूंगी साफ कर दे, और क्योंकि वो गंदा गंदा सा मुझे बहुत दिख रहा है। तो गाइस देखिए इधर मेरा साथ दे रहे हैं प्रभु, और इधर की सेटिंग मैं कर रही हूँ, तो दोनों लोग मिल गए जल्दी काम हो जाएगा। तो देखिए गाइस आप सब भी कभी बेडशीट लीजिए तो जरूर ध्यान दे दीजिए, मेरी नजर अभी पड़ी, ये किसी ने गिफ्ट किया था,
तो किसने किया था ये तो मुझे याद नहीं है। और ये देखिए कैसे इसमें जोड़ पड़ा हुआ है, देखिए अभी मेरी नजर पड़ी, जबकि इसको हम लोगों ने बिछा भी दिया था, नहीं तो नहीं बिछा था। अब अंदर पाए थे तो कोई खोल के देखता तो है नहीं कि दे उसका जो है तह बिगड़ जाएगा, लोग ऐसे दे देते हैं और ये निकलता है। तो चलिए इसको बस सही कर देती हूँ, उसे लगा देती हूँ। कमरा भी ठीक हो गया गाइज, अब किचन की तरफ चलो, अब बर्तन उर्तन थोड़ा सही जगह पे लगा दूं और ये कपड़े पड़े इनको हटा दूं। ये देखिए गाइज इतना कूड़ा इकट्ठा हुआ, अब इनको फेंकने में मदद करेंगे प्रभु। गाइज लग रहा आज फिर मशीन फंस रही है, फिलहाल मैं करके देख रही हूँ। और इधर देखिए मैंने सफाई कर ली है, इधर किचन का भी एरिया साफ कर दिया, इनकी वजह से बहुत मेरा घर गंदा हो रहा है और जगह जगह पे इनकी जो बीट पड़ी रहती है ना। और इधर कूड़ा भी भर दिया है, इधर की भी सफाई हो चुकी, बस एक ही कपड़ा बचा हुआ। और देखिए मेरा पूरा छत क्लीन हो चुका है, तो सफाई पूरी हो चुकी है। और जगह जगह उस दिया को मैंने नहीं उठाया क्योंकि चींटी बहुत है उसमें, तो बस ये हो गया। और चलिए मैं आपको अंदर का कमरा दिखा देती हूँ, कमरा भी पूरी तरह से मैंने क्लीन कर दिया। ये देखिए बाहर बाहर से, अरे बाहर से नहीं दिख रहा भाई, तो देखिए कमरा भी पूरा क्लीन हो चुका है। और ये अंदर रखना है, तो अब मैं कूड़ा लेके चलती हूँ नीचे। अब थोड़ा सा खा लें भैया, बहुत थक गए। क्या खाने जा रहे? देखो दलिया, दलिया रोटी, क्योंकि बचपन से फेवरेट है, बचपन से बहुत अच्छा लगता था। बहुत तेज भूख लगी, जैसे लग रहा ना मेरे मुंह में धूल धूल लग गया गाइज, मुंह धुलना भूल गए। कोई बात नहीं, पहले खा लेते, चक्कर आ रहा। देखिए दलिया, तो गाइज ये देखिए प्रभु ने लिया अपने लिए, क्या है लोर है, अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये दिवाली बाद लेके आए हैं क्योंकि इनको टाइम नहीं मिला, और टाइम क्यों नहीं मिला, इनकी खुद की चीजें थी कि इन्होंने कहा बाद में। और ये अपने लिए टी शर्ट, नहीं फ्रेंची है। अच्छा टी शर्ट नहीं लाए हो, टी शर्ट कल लेके आएंगे, कल लेके आएंगे। जब साथ में जाते हैं किसी को, जब कोई और लेता तो अच्छा लग जाता, तब ले लेते हम भी। अच्छा ठीक है, अच्छी बात। तो इतना करते कराते फ्रेंड्स बज गया 3, और 3 बज गया है, तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट नहीं करूंगी, बिल्कुल रेस्ट नहीं करूंगी, ब्लॉग को एडिट करूंगी जिससे आप सभी तक कल तक ये पहुंच जाए। तो चलिए होप करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मैं आप सबको मिलने वाली हूँ एक नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।